हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है आप लोग से कि मेरे बाल काफ़ी झड़ गए हैं, तो हाँ फ्रेंड्स, बाल झड़ गए हैं और बहुत पतले हो गए हैं देखिए, और मैंने कट भी कर दिया है तो भी इस तरह से। और मैं जो होम रेमेडी यूज़ करती हूँ, मैं सोची क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करूँ, तो चलिए आज शेयर करते हैं। आज फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ हेयर वॉश करने, और मैं होम रेमेडी आप लोग को बताऊंगी हेयर वॉश करने के पहले मुझे क्या लगाना है। और पहले मैं ये जो इतना सारा ऑयल लगा है इसको एक बार वॉश कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। और जो कि इससे हेयर ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होता है और बहुत ही तेज़ी से होता है, हफ्ते में 2 बार करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है इसका रिजल्ट। और ये नहीं है कि इसमें एक भी रुपए लगने वाला है, नहीं लगने वाला है। जो चीज़ हम वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, उसी चीज़ से हेयर ग्रोथ होता है और बहुत ही अच्छे से होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं वो क्या चीज़ है जो कि इतना जल्दी से उससे बाल लॉन्ग हो जाता है और मज़बूत भी हो जाता है, टूटता भी नहीं, बिल्कुल हेयर फुल जो भी रहता है उसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो चलिए हम फटाफट से तैयारी कर लेते हैं और आप लोग को दिखाते हैं वो क्या चीज़ है जो वेस्ट में जाती है और हम लोग बहुत अच्छे से उसको यूज़ करके और अपने हेयर ग्रोथ को लॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये वही होम रेमेडी है जिसके बारे में मैं आप लोग से बता रही थी। तो ये है फ्रेंड्स प्याज का छिलका और ऑनियन है, जिसे प्याज ना समझ में आए क्योंकि बहुत सारे नाम है इसके। तो देखिए ये वही प्याज है और जो कि इसके छिलके को हम वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं कचड़ा और कूड़ा समझ के। तो इसको देखिए, हम बहुत अच्छे से अपने हेयर ग्रोथ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं 2 पानी से अच्छे से इसको धुल लूँगी क्योंकि ऊपर से थोड़े मतलब गंदे रहते हैं, इसके लिए मैं इसको अच्छे से धुल लूँगी 2 पानी से। और ये आज का प्याज है जो मैं आज सुबह में भाजी बनाई थी उसके ही छिलके रखी हूँ। आप चाहे तो हर रोज़ का छिलका रख कर यूज़ कर सकते हैं और हेयर ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, और जो कि बहुत ही अच्छा है ये हमारे हेयर के लिए। और इसके बहुत ही महंगे महंगे शैम्पू एंड ऑयल वगैरह आते हैं, तो महंगे महंगे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस तरह से अपने घर में जो फेंके जाते हैं उसी से इस्तेमाल करके अपने हेयर ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिया हुआ है करी पत्ता, और करी पत्ता काफ़ी सूख गया है, काफ़ी दिन का है, मैं फ्रिज में रखी थी तो सूख गया है। तो देखिए, इसमें मैं 1 कटोरी पानी ली हूँ, और आप अपने मतलब हेयर के हिसाब से ले लेना है, आपके सिर में कितना लगेगा उसके हिसाब से। और इसको पानी को हमें आधा जला लेना है, तो देखिए मीडियम से भी कम रखेंगे गैस को और इसको ढक करके रख देंगे पकने के लिए, और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो जब आधा पक जाएगा उसके बाद हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी कलर चेंज हो गया है, देखिए पूरा कलर उतर गया है प्याज और करी पत्ता का, और काफ़ी जल गया था तो मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिया है क्योंकि मेरे हेयर में काफ़ी ज़्यादा लगता है इसके लिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं डालूँगी 1 चम्मच चाय पत्ती, और चाय पत्ती से बाल में बहुत ही अच्छे से शाइनिंग आ जाती है और कलर बहुत अच्छा रहता है और बाल के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसमें 1 चम्मच चाय पत्ती ऐड कर लीजिए, और बस ये होम रेमेडी हमारा बनकर रेडी हो गया जो कि हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल के लिए बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए, हमने फिर से ढककर पका लिया है और ये पानी बिल्कुल आधा हो गया है, और ये कटोरी थोड़ी चेंज हो गई है, वो दूसरी थी इससे थोड़ी सी बड़ी थी और ये छोटी वाली है, तो आपको लगेगा कि आधा तो है ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये आधा जल चुका है, तो इस तरह से हम इसको छन्नी से छान लेंगे, और उसके बाद हम इसको जो स्प्रे बॉटल रहता है उसमें भर के और अपने बाल पर स्प्रे करके अच्छे से लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने हेयर को अच्छे से वॉश कर लिया है, यानी कि शैम्पू कर लिया है, और ये जो मैं आपको दिखाई इस तरह से छनकर और इस बॉटल में मैं भर ली हूँ। ये मैंने लिया हुआ है 15 रुपये का, और ये है पेप्सी का बॉटल जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो मैं इसमें ही लगाती हूँ, और मैं कई सारे ऐसे होम रेमेडी यूज़ करती हूँ जो कि मैं आपको बताई हूँ। मेरे बाल काफ़ी सारे गिर रहे थे, और देखिए अभी ये देखिए जो सब गिरे हुए थे मेरे बाल अभी सब आ रहे हैं, और देखिए बहुत ही अच्छे से बहुत ही जल्दी ग्रोथ करता है इससे। तो प्लीज़ आप लोग एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम फटाफट से लगा लेंगे इस तरह से, आप चाहे तो इसको अपने हाथ से भी लगा सकते हैं फिंगर के हेल्प से, पर इस तरह से बहुत अच्छे से लग जाता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसी तरह से सब फटाफट लगा लेंगे और लगाएंगे और सिर में मसाज भी करेंगे 5 से 10 मिनट तक अच्छे से। तो देखिए फटाफट से पहले इसी तरह से हम लगा लेंगे पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, पूरा बाल में और सर में सब लगाएंगे। देखिए इस तरह से मसाज करेंगे लगाते हुए और दो भाग में इस तरह से बाल को हम कर लेंगे दोनों साइड से, और इस तरह से लगाएंगे तो बहुत अच्छे से लग जाता है, पूरा बाल में भी लग जाता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आप लोग के साथ इसी तरह से होम रेमेडी शेयर करती रहूँगी और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स, और जैसे कि इस तरह से मैं कई सारे होम रेमेडी आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ अपने बाल के लिए और स्किन के लिए, फेस के लिए, जो भी मैं यूज़ करती हूँ आप लोग को मैं शेयर करती रहूँगी। तो देखिए सभी ख़त्म हो गए हैं और हमने पूरे लगा लिए हैं जितना बनाई थी मैं मेरे बाल के हिसाब से, और पूरा लग गया है। तो इस तरह से अच्छे से मालिश करेंगे सिर को। तो देखिए बहुत अच्छे से हमने मालिश कर लिया है और पूरा सिर में बाल में लग गया है। तो देखिए आपको बाल देखकर ही पता चल रहा होगा कि पूरा गीला हो गया है। तो अब हम इसको अच्छे से इस तरह से टाइट बंद कर लेंगे, यानी कि जूड़ा बना लेंगे। और प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉमेंट्स भी कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।